अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी और बहुत ही चटपटी रेसिपी। तो मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, इसके लिए मैंने ली है 50 ग्राम सोयाबीन। इसको मैंने 1 घंटे पहले पानी में भिगो लिया था, अब इसका पानी निचोड़ लिया है। और ये एक आलू है जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है। एक बॉल में मैंने लिया है 1 कप चावल का आटा। इसमें डालेंगे 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन और काली मिर्च का पेस्ट। अदरक लहसुन और 4-5 काली मिर्चें मैंने लेके पीस ली थी, उसका पेस्ट डाला है मैंने इसमें 1 चम्मच बस। थोड़ा सा हरा धनिया, इसका एक पेस्ट बना लेंगे। देखिए, इस तरह का पेस्ट बनाना है हमें, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। देखिए, ऑयल हमारा अच्छे से हो चुका है। अब इसमें डिप करके ये पेस्ट में जो हमने चावल का बनाया था ये सोयाबीन डाल देंगे। देखिए, ये गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, अब इसे निकाल लेंगे। इसको आप ऐसे भी बना के खा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं और बच्चों को भी बहुत ही पसंद आते हैं। अब इसी तरह से पेस्ट में डालकर हम आलू तल लेंगे। देखिए, ये आलू भी बहुत अच्छे से हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। कढ़ाई में मैंने डाला है 2 बड़े चम्मच तेल के, उसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, 5 कटी हुई हरी मिर्चें, 1 चम्मच महीन कटा हुआ लहसुन, 3 कटी हुई सूखी लाल मिर्चें, 1 प्याज जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है, 1 टमाटर, 1 चम्मच शेजवान चटनी, 1 चम्मच डालेंगे सोया सॉस, 2 चम्मच के करीब डालेंगे रेड चिली सॉस, 1 चम्मच डालेंगे टमाटो केचप, हरा धनिया डालेंगे और इसमें डालेंगे 1 कटी हुई शिमला मिर्च। ये है 100 ग्राम दही, इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच पिसी हुई मिर्चें, थोड़ा सा कलर। अब डाल देंगे इसमें दही। और जो आलू और सोयाबीन को हमने फ्राई करके रखा था वो इसमें डाल देंगे। और डाल देंगे ऊपर से हरा धनिया। देखिए, तैयार है हमारी बहुत ही चटपटी आलू और सोयाबीन की डिश। तो मेरे कहने से एक मरतबा ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है। तो वीडियो पसंद आई हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।